नहीं होती। तो तीसरा जो हेतु दिया है भेद दर्शन का, वो भेद दर्शन का तीसरा हेतु क्या है? अविद्यावत। स्पष्ट हो गया? व्यक्ति को यह जो भेद दर्शन प्राप्त हो रहा है उसका कारण क्या है? अविद्यावत, अज्ञान के कारण ही, अज्ञान की संपत्ति के कारण ही इसको अनेकता दिख रही है। अच्छा, अगर ये टूट गई तो बोले अविद्या का नाश हो गया। सिद्धम एकत्वम, जिस दिन अज्ञान का नाश हो गया उस दिन कैसा होगा? एकत्व का दर्शन हो जाएगा। ये स्पष्ट हो गया? अब चलिए आगे आते हैं। तस्मात, ये देखो, यही लोग वेदना के जनक हैं। वेदना मतलब दुख नहीं, वेदना मतलब ज्ञान, जो हमको पता लग रहा है इसको क्या बोलते हैं? वेदना, ज्ञान। किसके किसके कारण वेदना हो रही है? तस्मात शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना संतान। संतान मतलब समझते हैं? संतान मतलब सतत, जो संतति बनाए रखता है उसको क्या बोलते हैं? संतान, है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया? संतान मतलब वह परंपरा क्या हो रही है? बह रही है। तो किसकी परंपरा बह रही है? संतान की, वेदना की। कौन सी वेदना, कहाँ से हुई, किसके कारण हुई, क्यों हुई, बोलते सबका उत्तर ये है। तस्मात वेदना के लिए तीन चीजें चाहिए। तस्मात शरीर, शरीर जरूर चाहिए वेदना के लिए, अनुभूति के लिए, ज्ञान के लिए। शरीर तो अत्यंत आवश्यक चीज है। दूसरा, शरीर होए हाँ और इंद्रिय ना होए, शरीर होए और इंद्रिय ना होए, तो इंद्रिय नहीं होगी तो क्या होगा कि वेदना जो उनको होगी वो कैसी होगी? कम होगी। ऐसा बोलते हैं, देखो भाई, जैसे सांप है, पेड़ है, इनको भी वेदना होती है, लेकिन वेदना इस पर निर्भर करती है कि इनके पास इंद्रिय कैसी है। जैसे सर्प के पास तीन इंद्रिय है और वृक्ष के पास सिर्फ एक इंद्रिय है, कौन सी? स्पर्श। वृक्ष देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, गंध नहीं कर सकता, चख नहीं सकता, क्या कर सकता है? टच। टच मतलब स्पर्श, उसको स्पर्श का थोड़ा बहुत हर पेड़ में है, तो उसमें कितनी इंद्रिय रह गई? एक। तो उसको उसका उसकी ज्ञान राशि भी कितनी होगी? एक। मनुष्य के पास, ओहो, तो मनुष्य के पास ज्ञान की राशि भी कितनी हो गई? अपार हो गई। ज्ञान की राशि के लिए, वेदना की उत्पत्ति के लिए पहली चीज क्या चाहिए? तस्मात शरीर, हो गया। दूसरा क्या चाहिए? इंद्रिय। इंद्रिय ही ज्ञान को लेकर मन के पास आती है, संप्रेषक है, तब हमको एहसास होता है। ध्यान रखें, इंद्रिय लेकर आई और मन वहां पर मौजूद नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी तो कान हैं आपके, सुन भी रहे हैं, सुनना पड़ेगा। ये तो इसमें तो ऐसा भी नहीं कि ढक्कन लगा दो बंद हो जाए, तो आप सुन तो रहे हो। शरीर भी है, इंद्रिय भी है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है।
तो इस कान ने जो आपने सुना उस ज्ञान की राशि को कहां तक पहुंचाया? मन तक। और मन वहां पर मौजूद, तो आप क्या बोलते हैं? मेरे सिर के कुछ समझ में नहीं आया। ये वही व्यक्ति कहेगा जहां पर जो मन होना चाहिए वहां पर वो मन नहीं है, मन भाग गया। आप अभी देखो मन कहीं इधर उधर लेके गए, बस गए। हमारे समय में तो आचार्य परंपरा में ऐसा पढ़ाते थे कि आंख की पुतली से पुतली मैच होनी चाहिए, स्वामी जी कहते थे। जो अभी भी आप देखते हैं ना यहां से, इसको बोलते हैं, इसीलिए ज्ञान नेत्र से जाता है। इसकी कभी व्याख्या सुनी होगी आप, है ना? जो ज्ञान है वो किससे जाता है? नेत्र से जाता है। इसलिए बोलते थे ये सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं उसको पहले क्या करो, ध्यान से। ये तो तुम्हारे घर में कमरे में भी है, ये तो कमरे में भी पड़ा है, और इसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। किसकी? आंख की। और वही श्रवण की कला जानता है, कहां शरीर, कब शब्द को देखना और कब पुतली से पुतली का, बस ज्ञान उसमें चला गया। ध्यान रखें, मन उपलब्ध नहीं है। ओदव मन नाही दस बीस, बन गया। मन तो एक ही है, वो आपने कहीं इधर उधर लगा दिया, तो उस समय का जो शब्द था वो शब्द क्या हो गया? स्लिप। पकड़ में? उस समय जो कहा गया, हालांकि सुना, लेकिन सुनने के बाद भी उसने मन में वह वृत्ति को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि आपका मन वहां पर मौजूद, भले ही सुना। इसका मतलब वेदना के लिए क्या क्या चाहिए? शरीर चाहिए, इंद्री चाहिए। अब देखो प्रेत के पास क्या है? इच्छा है, शरीर नहीं है, तो किसकी तलाश में रहता है वो? फिर गुस्सा, क्योंकि शरीर चाहिए। भोग के लिए क्या चाहिए? शरीर। पृथ्वी वो चुरा ले गया था, हिरण्याक्ष, तो भोग देना था मनु को, तो भोग कहां से होवे जब पृथ्वी नाम की कोई चीज? तो भोग के लिए सबसे पहले क्या निकाली गई? पृथ्वी। तभी तो व्यक्ति क्या करेगा? भोग करेगा। स्पष्ट होता है? फिर से देखो आप, वेदना की उत्पत्ति के लिए शरीर चाहिए, इंद्री चाहिए, मन चाहिए। यदि एक भी गायब तो वेदना शून्य। करके देखो आप, समझ में नहीं आया, स्लिप हो गया। क्यों? इसलिए राम जी ने बोला मन मति चित लाई। लक्ष्मण जी, सुनने का तरीका यही है, मति भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए और चित्त होना चाहिए, और एक का नाम नहीं लिया, अहंकार, वो नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो ये तीन है, है ना? राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला सुनने का तरीका कैसे होवे। फिर से देखो, ये तस्मात शरीर, वो कैसे भगवान भाष्यकार क्रम से चलते हैं, तस्मात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय। वाह, अब आ गया। इंद्रिय होगी तो इंद्रिय के क्या होंगे? विषय। उससे क्या उत्पन्न होगी? वेदना। ये कैसी वेदना हो रही है? बोले महाराज, सतत निरंतर जब से पैदा हुए जब तक मरण नहीं हो जाता तब तक अनवरत चलती है, प्रवाही रूप से चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। हो गया संतान? देखो आप, ये विषय की वेदना जब से पैदा हुए तब से ये विषय की वेदना क्या हो रही है?
अब इसमें एक और कूद गया के ये तो चल ही रहा था, अहंकार से संबंधनाद अहंकार के और कूद गए। स्पष्ट हो रहा है ये चीजें? तो एक तो यह प्रवाही ज्ञान की धारा क्या हो रही थी, चल रही है, इस धारा को क्या बोलेंगे, प्रवाही धारा। क्यों उत्पन्न हो रही है? ये तीन है हमारे पास, कौन कौन, शरीर मन और बुद्धि। इस धारा को कैसा कहेंगे, प्रवाही, प्रवाही संतति, संतत मतलब समझ लेना अनवरत जो धारा बह रही है उसको क्या बोलेंगे, संतति। तो दो प्रकार की धाराएं हैं, एक धारा को बोलते हैं कूटस्थ धारा और एक धारा को बोलते हैं प्रवाही धारा। तो यह जो शरीर और इंद्रिय से बह रही है कैसी धारा बह रही है, प्रवाही। आगे कल देखते हैं कौन सा था तीसरा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जना।